हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजीत। कोडरेंसी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जब आपको मैंने एरे पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एरे का यूज बेसिकली आप एक ही तरह का डेटा स्टोर करवाने के लिए करते हो। वो डेटा किसी तरह का भी हो सकता है, चाहे वो इंट टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैट टाइप का हो सकता है, लेकिन वो एक ही तरीके का हो सकता है। लेकिन सपोज आपको अलग अलग तरह का डेटा प्रिंट करवाना हो, सपोज आपको एक स्टूडेंट का डिटेल मेंटेन करना हो, जिसमें से स्टूडेंट्स का मार्क्स हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका सिटी हो सकता है, तो इस तरह के केस में आप एरे के हेल्प से नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लेते हो, फिर स्ट्रक्चर नेम लेते हो, स्ट्रक्चर नेम कुछ भी हो सकता है, फिर एक कर्ली ब्रैकेट देते हो, उसके बाद आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको बताया था, पहले डेटा टाइप लो, फिर वेरिएबल नेम लो, फिर दूसरा आपको वेरिएबल नेम लेना है तो उस केस में डेटा टाइप लो, फिर वेरिएबल नेम लो, उसके बाद आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट पे बंद कर देना है, और एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर यहाँ पे करना है, इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोलते हो, ये किसी तरह का भी आप ले सकते हो। इसके हेल्प से आप ये जो डेटा मेंबर्स है इसको आप एक्सेस करते हो, क्योंकि इसको एक्सेस आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का डिटेल मेंटेन करना है, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, स्टूडेंट लिखा, कर्ली ब्रैकेट दिया, एक डेटा टाइप लिया, आईडी हमने वेरिएबल नेम ले लिया, फिर एक नेम ले लिया है, फिर उसके मार्क्स ले लिए हैं जो कि फ्लो टाइप का होगा, फिर सिटी ले लिया है जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, और मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको कैर कीवर्ड का हेल्प लेना पड़ता है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद करने के बाद एक वेरिएबल ले लिया है s1, तो s1 के हेल्प से हम ये सारे डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हो। इसको आप वेरिएबल नेम भी बोल सकते हो, डेटा मेंबर भी बोल सकते हो, मेंबर्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, जो हमारा फाइल नेम रहेगा वो स्ट्रक्ट रहेगा .c। यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं, तो इंक्लूड स्टूडियो .h इंट में। अब देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मेन मेथड के बाहर लेना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, स्टूडेंट लिखा, स्टूडेंट में आप कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पे वेरिएबल नेम लिया हमने इंट आईडी, फ्लोट मार्क्स, कैर नेम, और सेम हम कर लेते हैं सिटी के लिए, ये जो साइज आएगा वो यहां पे आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है। अब आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया s1, इसको आप वेरिएबल नेम भी बोलते हो, ऑब्जेक्ट भी बोलते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर लेते हैं, तो s1 के हेल्प से मैंने आईडी को एक्सेस किया। आपको डॉट लगाना पड़ता है किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, तो आईडी में हमने दे दिया 1, कुछ भी आप दे सकते हो। s1 डॉट मार्क्स में हमने दे दिया 90। अब देखिए, नेम में आपको कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो मैंने आपको स्ट्रिंग कॉपी बताया था, तो वो आप यहाँ पे करोगे, तो strcpy किस में करना है, s1 डॉट नेम में करना है, तो यहाँ पे हम इसमें संजीत स्टोर करवा देते हैं। सेम हम सिटी के लिए कर लेंगे, तो यहाँ पे डेली कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा सिटी होगा, और इसी को आपको प्रिंट करवा देना है, तो printf %d, ये हमारा आईडी होगा, \n, और यहां पे हमने कर दिया s1.id। सेम हम मार्क्स के लिए कर लेते हैं, तो मार्क्स इज, ये फ्लोट टाइप का है तो f लिया, और यहां पे हमारा s1.marks आ जाएगा। सेम हमारे नेम के लिए हो जाएगा, तो नेम ये s होगा, और यहाँ पे s1.name आ जाएगा। सेम हमारे सिटी के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे सिटी लिख दिया, और यहाँ पे भी %s हो जाएगा आपका, s1.city। ये आपका बन गया है, इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखिए, आपका आउटपुट आ चुका है, आईडी इज 1, मार्क्स इज 90, नेम इज संजीत, सिटी इज दिल्ली। तो इस तरह आप स्ट्रक्चर बनाते हो। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि यूजर इनपुट के हेल्प से आप स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल करते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।